हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको इंसर्ट मेन्यू बताएंगे। कल हमारा होम मेन्यू तक हो गया था लेक्चर 2 तक, आज लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे इंसर्ट मेन्यू। कहीं हम देखते हैं इंसर्ट मेन्यू क्या होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा इंसर्ट मेन्यू का ये विंडोज है। इंसर्ट मेन्यू में ये निम्नलिखित टैब होते हैं, जिसमें पेज होता है, टेबल्स होते हैं, इलस्ट्रेशंस होता है, लिंक्स होता है, हेडर एंड फुटर होता है, टेक्स्ट होता है, सिंबल होता है। इंसर्ट मेन्यू को हम, अगर हमारा माउस ना काम कर रहा हो या शॉर्टकट कमांड ऑल्ट प्लस एन के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम क्रम वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है इसमें पेज। पेज में क्या होता है, इसके साथ साथ हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या होते हैं, एक ब्लैंक पेज जोड़ सकते हैं। ठीक, अब पेज के अंतर्गत कई डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन आते हैं। पहला आता है हमारा कवर पेज। जैसे हम, हमारी बुक्स होती है तो उसमें देखते हो आप कवर पेज बना रहता है, पहला पेज, उसमें डिफरेंट टाइप्स की डिज़ाइन होती है। तो उसी तरह कवर पेज में प्रीसेट पहले से डिजाइंस होती हैं, जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नया कोई कवर पेज बना के हम इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक मीन्स क्या होता है, खाली। ठीक ना, तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं, इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, ब्लैंक पेज यानी खाली पेज ले सकते हैं। अगला आता है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का शॉर्टकट कमांड क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे सपोज करिए ये हमारा पेज है, यहाँ इसके, अब जहाँ पर हमारा इंसर्शन पॉइंट है, यहाँ पर है के पास हमारा इंसर्शन पॉइंट है, और यहीं से हमको इस मैटर को अगले पेज पे ले जाना है, तो हम कंट्रोल से एंटर करेंगे तो यहीं से हमारा पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा पेज मेन्यू, सॉरी पेज टैब। उसके बाद आता है हमारा टेबल। टेबल के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टेबल बना सकते हैं। टेबल क्या होता है, टेबल रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। ठीक ना, जैसे देखिए यहाँ 6x3 की टेबल्स बनाई गई है, ये 6x3 की टेबल्स है। तो देखिए ये जो ये होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये सब क्या हमारी रो हैं। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे। ये सब हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। नोट करके आप लिख सकते हैं, जैसे देखो सेल, जैसे देखिए एक रो, और देखिए जैसे ये एक ब्लॉक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। जैसे ये पूरा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक सेल बोल सकते हैं। उसी तरह ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। ठीक है, तो जैसे दो सेल हैं, अब दो सेलों को एक में मिलाने के लिए देखो, इसको हम सिलेक्ट कर लिए, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुलेगा, इसमें ये देखिए मर्ज ऑप्शन है, मर्ज पर क्लिक कर देंगे तो देखिए दोनों सेल क्या आ जाएंगे, हमारे एक में मिल जाएंगे। ओके, उसी तरह अब जैसे मान लीजिए हमें इस सेल को मिटाना है, इसको हमको क्या करना है, इन दोनों को मिटाना है, तो इसको हम सिलेक्ट कर दिए, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट सेल का ऑप्शन होगा, डिलीट सेल कर देंगे तो ये हमारा देखिए यहाँ पे ऑप्शन मांगेगा शिफ्ट। अब इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और अब ओके कर देंगे तो ये हमारी सेल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। उसी तरह अब क्या है, अगर किसी सेल के नीचे, जैसे ये सेल है इसके नीचे, या राइट साइड में, या लेफ्ट साइड में, या टॉप साइड में किसी सेल को इंसर्ट करना, यानी इसमें और सेल बढ़ाना है, तो अभी हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पर, इस सेल पे क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन होगा। देखिए अब जैसे एक सेल के आगे और पीछे, यानी लेफ्ट और राइट में हमारा क्या होगा, कॉलम होगा, और ऊपर और नीचे हमारा क्या होगा, रोज होंगे। ठीक ना, ऊपर और नीचे रो, और अगल बगल लेफ्ट यानी राइट में कॉलम ऐड करने के लिए हम इंसर्ट टेबल का यूज कर सकते हैं। ओके, अगला आता है हमारा, इसमें देखिए अगला आता है हमारा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में जैसे आप देख सकते हैं कि इलस्ट्रेशन में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट इत्यादि ऑप्शन आते हैं। ताइए इसको बार बार इसे हम पढ़ लेते हैं। पहला आता है हमारा पिक्चर। पिक्चर की सहायता से जैसे ये देखिए, ये एक इमेज है, ये इमेज है, हम अपने डॉक्यूमेंट में इमेज ऐड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, पिक्चर ऑप्शन का यूज करते हैं। दूसरा आता है हमारा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, कंप्यूटर में पहले से डिजाइन कुछ शेप रहते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट में ले सकते हैं। जैसे देखिए क्लिप आर्ट ऑन करेंगे तो ऐसा आपको एक ऑप्शन आएगा।
अब इसमें आप जैसे यहाँ कंप्यूटर सेलेक्ट करके गो कर दिए तो कंप्यूटर से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ गए हैं, जैसे कंप्यूटर ये फ्लॉपी डिस्क है ठीक ना, उसी तरह यहाँ पे वर्ड कर देंगे, काउच कर देंगे, तो उससे संबंधित सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया क्लिप आर्ट। नेक्स्ट आता है हमारा शेप। शेप की सहायता से हम डिफरेंट टाइप्स के शेप बना सकते हैं, जैसे देखिए ये हमारा सन है, उसी तरह ये हमारी लाइंस है, ये हमारा रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये देखिए एरोज हैं, डिफरेंट टाइप्स के एरोज हैं। तीनों हम किसी भी शेप को लेके यहाँ पे हमें वो शेप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्मार्ट आर्ट। इसकी सहायता से हम यहाँ पे लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हेराची या रिलेशनशिप मैट्रिक्स या पिरामिड इत्यादि प्रकार की स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं, और उसमें हम जो भी लिखना हो वो उस रिलेशन में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चार्ट। देखिए कई बार ट्रिपल सी और ओ लेवल में कई बार पूछा है, जैसे पूछ दिया कि लाइन चार्ट क्या होता है, कॉलम चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, ठीक ना। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई चार्ट ऐड करते हैं, और जैसे यहाँ पे आप चार्ट क्लिक करेंगे तो एक अलग से हमको एक्सेल सीट खुल जाएगी, जिसमें हमको डेटा क्या करना रहेगा, उसमें इंसर्ट करना रहेगा। जैसे आप डेटा इंसर्ट करते जाएंगे उसी तरह रो सॉरी ये ग्राफ्स क्या होंगे उसकी, जैसे वहाँ पे आप एक्सेल में वैल्यू इंसर्ट करेंगे उसी तरह यहाँ ग्राफ उसी हिसाब से बढ़ता या घटता चला जाएगा, ठीक ना। अब देखिए जैसे कॉलम चार्ट, कॉलम मींस अभी मैंने आपको पिछले बताया था कि रो और कॉलम, तो कॉलम क्या होती है, खड़ी लाइन है, तो इसमें जो चार्ट होगा ऐसे खड़ी लाइनों में बनेगा। उसी तरह बार बोले तो बार क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, तो ये हमारा देखिए ये हमारा बार चार्ट है। उसी तरह पाई चार्ट होता है, जैसे नाइट्रोजन चार्ट बनता है, ऑक्सीजन चार्ट तो एटमोसफियर का आप देखे होंगे, तो वो क्या है पाई चार्ट के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक ना। उस तरह डिफरेंट टाइप्स के चार्ट हैं, चार्ट्स को हम एक्सेल जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लिंक, ठीक ना। अब लिंक्स के अंतर्गत देखिए आपके हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस आते हैं। अब लिंक, अब देखिए इसमें पहला आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का शॉर्टकट कमांड आप नोट कर लीजिए, इसमें मैं लिख नहीं पाया हूँ, कंट्रोल प्लस के होता है, नोट कर लीजिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस के। इसकी सहायता से हम अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर या कोई ईमेल एड्रेस या किसी प्रोग्राम को ऐड कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, हम दूसरे जगह पे या दूसरे पेज में कुछ भी चीज़ बना हुआ है उसको हमको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे एक लिंक, हाइपरलिंक की सहायता से वो लिंक यहाँ पे ला के ऐड कर देंगे, तो वो यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, बस एक लिंक दिखेगा, वो पूरा पेज नहीं दिखेगा। बट जब हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमको दूसरे जगह वो पेज पूरा खुल जाएगा, जिसमें उसके बारे में डिटेल जानकारी रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा बुकमार्क्स। बुकमार्क्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में बुकमार्क्स जोड़ सकते हैं, तथा क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस रेफरेंस। इसकी सहायता से हम किसी लाइन या पैराग्राफ से पैराग्राफ में किसी का संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे ये इमेज दिया है तो इसके हम लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे इमेज 4.2, तो यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस में लिख दिया इमेज सी इमेज 4.2, तो आप 4.2 इमेज को देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक ना। अब इंसर्ट मेन्यू में हमारा पांचवा आता है हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर क्या होता है, जैसे देखिए नाम से ही क्लियर है, हेडर यानी हेड और फुटर मीन्स फुट। हेड मीन्स क्या होता है, सर यानी पेज। अब पेज की बात करेंगे तो पेज का सर और पैर क्या होगा, यानी पेज का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाएगा, हेडर कहलाएगा, और पेज का निचला सिरा क्या कहलाएगा, फुटर कहलाएगा। यानी पेज के ऊपरी सिरे में किसी, अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये पेज का निचला सिरा है, यहाँ पे ये चीज देखो ये जुड़ा हुआ है फुटर, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो ये हेडर और फुटर में जो भी वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, हेडर और फुटर में जो भी वर्ड्स लिखे जाते हैं इनको क्या बोलते हैं, घोस्टेड वर्ड बोलते हैं। ये ट्रिपल्स में कई बार क्वेश्चन आया है, इसको क्या बोलते हैं, घोस्टेड वर्ड बोलते हैं। ये क्या होते हैं, बस छुपे रहते हैं, ओके। तो पेज के ऊपरी भाग में किसी भी मैसेज या किसी टेक्स्ट को जोड़ने के लिए हेडर का प्रयोग करते हैं, वहीं पेज के निचले भाग में किसी पेज सॉरी टेक्स्ट या मैसेज को जोड़ने के लिए हम फुटर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने msit.com का फुटर यूज किया है, ठीक ना, उसी तरह आप हेडर पर भी कुछ यूज कर सकते हैं। उसी में तीसरा ऑप्शन आता है हमारा पेज नंबरिंग। जैसे हर पेज पे हम नंबरिंग करने के लिए किसका यूज करेंगे, पेज नंबरिंग का यूज करेंगे। इसके बाद हमारा छठवां आता है टेक्स्ट। अब देखिए टेक्स्ट में निम्नलिखित ऑप्शन आता है, टेक्स्ट बॉक्स आता है, क्विक पार्ट्स आता है,
वर्ड आर्ट आता है, ड्रॉप कैप आती है, सिग्नेचर लाइन, डेट्स, सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके साथ हम अपने डॉक्यूमेंट में अब कोई जैसे हमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। अब यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट बॉक्स होंगे, देखिए जैसे ये सिंपल है, ये है, ठीक ना। तो हम किसी को भी लेके उसमें अपना टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह हमारा आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में देखिए डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन है, जब प्रैक्टिकली आप आएंगे लैब में या जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में वर्ड को डिफरेंट टाइप से डिजाइन किया गया रहता है, जिस डिजाइन को आप सिलेक्ट करेंगे और कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो उसी डिजाइन में ये लिखा जाएगा। उसके बाद आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप में किसी भी लाइन का पहला अक्षर क्या होता है, बहुत बड़े साइज में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और बाकी अक्षर उसमें क्या होंगे, छोटे हो सकते हैं। तो नॉर्मली अगर जब हम ड्रॉप कैप लेते हैं तो एक ड्रॉप कैप में मैक्सिमम 3 लाइनें आती हैं, लेकिन और सॉरी हाँ, एक ड्रॉप कैप अगर जो हम लेंगे तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट 3 लाइनें आती हैं, बट मैक्सिमम उसमें क्या कर सकते हैं, 10 लाइन लिख सकते हैं। जैसे हमने जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम एक ड्रॉप जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेते हैं, ये बस आपको दिखाने के लिए, कंट्रोल भी हमने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने ड्रॉप कैप, हमें अगर हम यहाँ पे ड्रॉप कैप लेते हैं तो देखिए ई बहुत बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने क्या बताया था आपको कि 3 लाइनें आ सकती हैं, तो अब यहाँ पे आप लगातार 3 लाइनें लिख सकते हो। देखो ये जो ई है ये बहुत, या फिर इसको हम ए कर सकते हैं या बी कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा ये क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। और उसी के सापेक्ष हम इसमें बाई डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि कितनी लाइनें आती हैं, 3 लाइनें हम मैक्सिमम लिख सकते हैं एक ड्रॉप कैप के अंतर्गत। मैं आपको इंग्लिश में करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमको हेल्प खोलना है तो हम F1 से क्या कर सकते हैं, हेल्प मेन्यू ओपन कर सकते हैं। ओके जैसे देखिए हमने एक यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी किया, सॉरी पेस्ट किया, अब इसमें हम ड्रॉप कैप लेते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पे हम ड्रॉप कैप अप्लाई करेंगे, तो देखिए ये क्या कर देगा, बहुत बड़े अक्षर में लिख देगा। अब देखिए मैंने क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट 3 लाइनें इसमें आती हैं, ठीक ना, और मैक्सिमम हम इसमें 10 लाइन ड्रॉप कैप में जोड़ सकते हैं। तो ये होता है हमारा ड्रॉप कैप, क्लियर हुआ। ड्रॉप कैप के बाद और हमको यहाँ पे सिग्नेचर लाइन जोड़नी है और उस सिग्नेचर लाइन में डेट और टाइम जोड़ना है, तो हम एक यहाँ पे सिग्नेचर लाइन का यूज़ करते हैं, उस पर डेट और टाइम ऐड करने के लिए डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम का यूज करेंगे। उस पर कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट जो है वो आता है सिंबल। नेक्स्ट क्या आता है हमारा सिंबल। सिंबल में देखिए दो ऑप्शन आते हैं, एक इक्वेशन आता है और दूसरा आता है सिंबल। इक्वेशन से हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे ये लिख सकते हैं, और सिंबल में हम डिफरेंट टाइप्स के सिंबल इसमें यूज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे जाओगे तो देखो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आपको इक्वेशंस मिलेंगे, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, बाइनोमियल इक्वेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सम, फोरियर सीरीज। उसके अलावा नीचे आपको ये ऐड न्यू इक्वेशन का भी ऑप्शन दिया रहेगा। उसी तरह यहाँ पे सिंबल का ऑप्शन है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सिंबल दिए रहेंगे। ओके तो इसमें से आप किसी भी सिंबल को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये इतना हमारा था इंसर्ट मेन्यू। ओके कल हम फिर अगले मेन्यू को रिप्रेजेंट करेंगे जिसका नाम है हमारा पेज लेआउट मेन्यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी और कंप्लेन हो तो आप निम्नलिखित नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।